गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सुधा भुलर एंड आई एम योर इंग्लिश टीचर. सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर न्यू लेसन, लेसन नंबर 1, द टाइनी टीचर फ्रॉम द टेक्स्ट एन एलियन हैंड ऑफ स्टैंडर्ड 7. सो द होल चैप्टर इज ऑल अबाउट अ स्मॉल क्रीचर और आई कैन से स्मॉल इंसेक्ट. सो लेट्स स्टार्ट. Let's do the reading. Though so very small, the ant is unbelievably intelligent and hardworking. Among the various kinds, the commonest ant is black or red. Ants live in comfortable homes called ant hills. देखने जाएं तो सबसे छोटी और बहुत ही ज़्यादा बुद्धिशाली और बहुत ज़्यादा मेहनती अगर कोई इंसेक्ट है, जीव है, तो वो है एंट. वैसे तो बहुत सारी इनकी वैरायटीज देखने को मिलती हैं, बहुत तरीके की इनकी स्पीशीज होती हैं, लेकिन इन सभी में जो कॉमनली हर जगह देखने को मिलती है वो है ब्लैक एंड रेड. एंट्स जहाँ पर रहते हैं यानी जो उनका घर है उसे कहा जाता है एंट हिल्स. तो ये था इसका इंट्रो पार्ट. अब हम इसकी डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं कि एंट होती क्या है, उनका रहन सहन, खान पान, उनकी डेली रूटीन्स क्या क्या होते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. Name the smallest insect you have seen and the white cyst. Is it the fly? No. It isn't. Is it the mosquito? No. Not the mosquito. Then it must be the worm. No. None of these. It is the ant. The commonest, the smallest, but the wisest insect. The story of an ant's life sounds almost untrue, but people have kept ants as pets and have watched their daily behavior closely. So we know a number of facts about these tiny, hardworking and intelligent creature. क्या कोई मुझे बता सकता है कि सबसे छोटा इंसेक्ट यानी जीव कौन सा है, कीड़े मकोड़े कौन से हैं, या फिर सबसे ज्यादा बुद्धिशाली क्या वो फ्लाई यानी मक्खियां हैं? एब्सोल्युटली नो. क्या वो मच्छर है? बिल्कुल नहीं. तो क्या वो रेंगने वाले कोई कीड़े हैं? नहीं, इनमें से कुछ भी नहीं. ये एक सामान्य तरीके से हमारे घर के आसपास पाए जाने वाला छोटा सा जीव है जिसे कहते हैं एंट यानी चींटियां. अब हम जानते हैं कि चींटियों से जुड़े हुए जितने भी उसके स्टोरीज हैं, जो भी कहानियां हैं, वो ज़्यादातर सच से अलग पाई जाती हैं यानी गलत ही पाई जाती हैं. लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने अपने घरों में चींटियों को अपने पालतू जानवर के तौर पे रखा है, और इतना ही नहीं, वो बड़े ही ध्यान से उनके डेली रूटीन को यानी उनके दिनचर्या को, दिन भर वो क्या क्या करती हैं, उस चीज़ को भी अच्छे से नोट करते हैं, देखते हैं. और इतना ही नहीं, वो कैसे बिहेव करती हैं, उनका जो व्यवहार है वो कैसा होता है, उसे भी वो बहुत ज़्यादा क्लोजली यानी बहुत ही नज़दीकी से ऑब्ज़र्व करते हैं, ध्यान रखते हैं. तो हम तो जानते हैं कि वैसे ये जो छोटी सी दिखने वाली चींटियां जो हैं वो कितनी ज़्यादा हार्ड वर्किंग, बहुत ही ज़्यादा मेहनती होती हैं, लेकिन इसके साथ साथ वो बहुत ही ज़्यादा बुद्धिशाली भी होती हैं. An ant uses its feelers or antennae to talk to other ants by passing messages through them. Watch a row of ants moving up or down the wall. Each ant greets all the others coming from the opposite direction by touching their feelers. जो चींटी होती है एक, वो अपने feelers, आप लोगों ने अगर ध्यान से देखा हो तो चींटियों के ऊपर कुछ दो एंटीने जैसे होते हैं या जिसे feelers कहा जाता है, जिससे वो चीज़ों को feel करती हैं या फिर मैसेज को पहुंचाने का काम करती हैं, वो एक्चुअली उनका बातचीत करने का जरिया माना जाता है. और वो एक दूसरे को टच करके मैसेजेस को, उनके जो भी संदेश होते हैं उसे पहुंचाने की कोशिश करती हैं. अगर आपने ध्यान से कभी अपने घरों में या कहीं भी देखा हो, ज़्यादातर चींटियों की जो लाइन आ रही होती है, सामने ऑपोजिट डायरेक्शन में आपको एक चींटी मिलेगी जो उनको पहले टच करेगी और अपने मैसेज को आगे उन तक पहुंचाती है. और वो क्या करती हैं, पीछे आने वाली सभी चींटियों को वो मैसेज पहुंचाने का काम कर सकती हैं. जैसे देखिए यहाँ पे इस पिक्चर में दिया गया है, सेम तरीके से ये जो अपने फीलर्स
या फिर जो एंटीना है उनकी मदद से बातचीत करने का काम करती हैं, या हम कह सकते हैं मैसेज को पहुंचाने का काम करती हैं, जैसे हम हमारी जुबान से यानी टंग की मदद से बातचीत करने का काम करते हैं। There are many kinds of ants. The commonest among them are the black or red ones. We have seen them since we were children, but haven't paid enough attention to them. Where do they live? In their comfortable homes called nests or anthills. Each has hundreds of little rooms and passages. In some of these rooms, the queen ant lays eggs. Others are nurseries for the young ones called grubs. देखने जाए तो ants बहुत तरीके की होती हैं, लेकिन इन सभी में जो सिंपल यानी सामान्य तरीके से हर जगह पाई जाने वाली अगर हैं तो वो हैं ब्लैक कलर की या रेड कलर की। हमने उन सभी को अपने बचपन में देखा होगा, आप सब छोटे हैं, आप सब ने भी चींटियों को बड़े ही ध्यान से देखा होगा, लेकिन कई बार हम उनको इतना ज़्यादा अटेंशन नहीं देते या फिर इतना ध्यान से नहीं देते क्योंकि हमें कुछ उसमें नया लगता नहीं है। पर जब आप चींटियों को देखते होंगे ध्यान से तो आपके दिमाग में ये क्वेश्चन पक्का आता है, वेयर डू दे लिव, कहाँ वो रहती हैं। तो इसका आंसर है कि ऐसी एरिया या ऐसी जगह जिसे उनको घर कहा जाता है उसे कहा जाता है या तो घोंसला जनरल लैंग्वेज में, लेकिन एक्चुअल में उनके घरों को कहा जाता है एंट हिल्स। इन एंट हिल्स में अंदाजन 100 यानी 100 छोटे छोटे रूम्स होते हैं, कमरे होते हैं और पैसेजेस यानी रस्ते होते हैं। कुछ ऐसे भी रूम्स होते हैं जहां पे जो रानी चींटी होती है वो अंडों को देने का काम करती है, और इतना ही नहीं कुछ ऐसे भी रूम्स होते हैं जिसे नर्सरीज कहा जाता है, जहां पर चींटियों के जो बच्चे होते हैं उनको पालने पोसने का काम किया जाता है, और इस यंग वंस की नर्सरी को कहा जाता है ग्रब्स, GRUBS। वर्कर्स हैव देयर रिजर्व्ड क्वार्टर्स, दे स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम सर्चिंग फॉर फूड। सम रूम्स सर्व एज स्टेयर हाउसेस फॉर दिस फूड। Soldiers have separate barracks. No worker has ever tried to live in a soldier's house. No soldier has ever gone out searching for food. No worker or soldier or cleaner has ever harmed a grub. So you see, an ant's life is very peaceful. Each does its share of work intelligently and bravely, and never fights with other members of the group. So, जो workers होते हैं उनका खुद का एक reserved quarter होता है, जैसे हमारे देश के workers हैं या हमारे देश के जो मजदूर हैं उनका जैसे घर होता है, वैसे चींटियों के भी जो workers होते हैं उनका separate खुद का quarter बनाया गया होता है, और वो ज़्यादातर अपना समय खाने पीने की तलाश में ही बिताते हैं। कुछ ऐसे भी कमरे होते हैं जिसे स्टोर हाउसेज यानी गोदाम, जहाँ पे अनाजों को स्टोर किया जाता है, उसे भी इस्तेमाल किया जाता है ताकि वो अपने खानों को वहाँ पर स्टोर करके रह सकें। इतना ही नहीं कुछ ऐसे भी सोल्जर्स हैं जिनके लिए सेपरेट बैरक्स, बैरक्स इन द सेंस जहाँ पे सोल्जर्स को रहने की जगह दी जाती है उसे बैरक्स कहा जाता है। कोई भी वर्कर जो है वो कभी भी किसी भी सोल्जर के घर में नहीं रहता, और कोई भी सोल्जर जो है वो कभी भी खाने की तलाश में अपने घर के बाहर नहीं जाता है। भले हम सोल्जर की बात करें या वर्कर की बात करें या क्लीनर की बात करें, इनमें से किसी ने भी कभी भी ग्रब यानी जो यंग वंस हैं चींटियों के जो बच्चे हैं उनको कभी भी किसी भी तरीके का नुकसान नहीं पहुँचाते। तो हम देख सकते हैं कि चींटी की जो लाइफ होती है काफ़ी ज़्यादा पीसफुल यानी शांति वाली होती है। वो अपने हर काम को बहुत ही ज़्यादा शेयरिंग यानी आपस में बांटकर बहुत ही ज़्यादा बुद्धि के साथ, बहादुरी के साथ करते हैं, और इतना ही नहीं उन लोगों के ग्रुप में यानी उन लोगों का जो झुंड होता है उसमें कभी भी किसी भी तरीके का झगड़ा आपको नज़र नहीं आएगा। द क्वीन एंट हैज़ अ पेयर ऑफ विंग्स विच शी कास्ट ऑफ बिफोर शी बिगिन्स टू ले एग्स। एग्स हैच एंड बिकम ग्रब्स, ग्रब्स चेंज इन टू कुकून्स एंड कुकून्स ब्रेक टू ब्रिंग फोर्थ कम्प्लीट एंट्स। द लाइफ ऑफ एन ऑर्डिनरी एंट इन द एंट हिल इज अ बुक विच मैनी ऑफ अस सेल्डम
ओपन। अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि क्वीन जो होती है उसके पास एक पैर यानी एक जोड़ी होती है विंग्स यानी पंखों की, वो उसे तोड़ देती है, अपने शरीर से हटा देती है जब वो अंडे देने के स्टेज पर आती है। हर दिए हुए अंडों में से छोटे छोटे ग्रब्स यानी यंग वंस निकलते हैं, फिर वो वहां से कुकून, कुकून्स मीन्स एक कवच जैसा बनता है, आउटर पार्ट बनता है जैसे एग्स होते हैं, और ये कुकून्स काफी टाइम बाद जब पक जाते हैं तो फूटते हैं और उसमें से छोटी छोटी चींटियां या चींटे बनकर के बाहर आते हैं। इनकी जो सामान्य तरीके से जीवन देखने जाएं, लाइफ देखने जाएं तो बहुत ही सिंपल होती है और इसके बारे में शायद ही हमने कभी पढ़ने की कोशिश की हो। द क्वीन इज द मदर ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ द कॉलोनी। इट लिव्स फॉर अबाउट 15 ईयर्स। इट हैज अ पेयर ऑफ विंग्स बट बाइट्स देम ऑफ आफ्टर इट्स वेडिंग फ्लाइट। दिस फ्लाइट टेक्स प्लेस ऑन अ हॉट समर डे। The queen leaves the nest and goes out to meet a male ant or drone high up in the air. On its return to earth, it gets rid of its wings and then does nothing but lay eggs. अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि queen जो होती है वो पूरे population की यानी जितनी भी चींटियों का समूह है, झुंड है, उसकी वो रानी मानी जाती है। चींटियों की रानी जो होती है वो पूरे कॉलोनी में रहने का और सभी के कामों को देखरेख करने का काम करती है, और ये माना जाता है कि अंदाजन वो 15 साल तक रहती है, जिंदा रहती है। उसके पास एक पंखों की जोड़ी होती है जो उसे उड़ने में काम आता है, लेकिन जैसे ही वो अपनी वेडिंग फ्लाइट के लिए, वेडिंग फ्लाइट इन द सेंस जैसे ही वो अपनी लाइफ के एक न्यू स्टेज में, जिसे कहा जाता है टू मीट विद अ मेल पार्टनर, मींस एट द टाइम ऑफ फैमिली, वो अपने विंग्स को तोड़ देती है, अपने शरीर से अलग कर देती है। और ये चीजें होती हैं हॉट समर में, गर्मियों के मौसम में। क्वीन जो होती है वो अपने घोंसले को छोड़ करके बाहर आती है अपने मेल एंट से मिलने के लिए। काफी ऊपर हवा में जाने के बाद जब वो रिटर्न आती है तब वो अपने विंग्स को यानी पंखों को तोड़ देती है, और उसके बाद आने के उस वहां से आने के बाद वो सिर्फ एक ही काम करती है और वो होते हैं ले एग्स। ले एग्स इन द सेंस अंडों को देना। एग्स हैच एंड ग्रब्स कम आउट। सोल्जर्स गार्ड देम, वर्कर्स फीड एंड क्लीन देम एंड ऑल्सो कैरी देम अबाउट डेली फॉर एयरिंग, एक्सरसाइज एंड सनशाइन। 2 or 3 weeks later, grubs become cocoons and lie without food or activity for 3 weeks more. Then the cocoons break and perfect ants appear. Now it's time for teaching and training. Now ants learn their duties from old ants as workers, soldiers, builders, cleaners, etc. After a few weeks training, the small ants are ready to go out into the big world of work. अंडे दे दिए गए, उनमें से छोटे छोटे यंग वंस यानी चींटियां भी आ गई। सोल्जर्स जो होते हैं, जो उनके सैनिक होते हैं, वो उनको गार्ड, उनको प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। वर्कर्स जो होते हैं उनको खिलाने पिलाने का काम करते हैं और साफ सफाई रखने का काम करते हैं। इतना ही नहीं, वो उन्हें रोज अपने साथ बाहर लेके जाते हैं ताकि उनको अच्छे तरीके से हवा मिल सके, उनकी एक्सरसाइज हो सके और उनको सूरज की रोशनी भी मिल पाए। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये कुछ वर्कर्स हैं जो कुकून्स को यानी इस कवच को कैरी कर रहे हैं जिसके अंदर चींटियों के छोटे छोटे बच्चे हैं। वो उनको बाहर इसलिए लेकर आते हैं ताकि उनको अच्छी तरीके से हवा मिले, उनकी एक्सरसाइज हो और उनको सूरज की रोशनी भी मिल पाए। 2 या 3 हफ्तों के बाद ग्रब्स जो होते हैं अब वो कुकून्स बन जाते हैं और वो तैयार हो जाते हैं खाने के लिए और हर तरीके की एक्टिविटी को करने के लिए, जिसमें उन्हें 3 हफ्ते और लग जाते हैं। कुकून्स जब टूटते हैं, जो ये वाइट पार्ट है जो चींटियों ने अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे लिया है उन्होंने, ये जब टूटता है तो उसमें से क्या निकलने की बारी आती है, एंट्स की यानी चींटी की। एक सही तरीके से पैदा हुआ जो चींटी है या चींटा है वो बाहर आ जाता है। अब उनकी टाइम आता है किस चीज को करने का, तो टीचिंग, उनको सिखाने का और उनको ट्रेनिंग देने का कि बींग ए आंट, एक आंट होकर के उनको क्या क्या करना चाहिए। अब उनकी बारी आती है अपने
ड्यूटीज़ को परफॉर्म करने का, जो भी उनके फ़र्ज़ हैं उसे निभाने का, और वो उनको सिखाने का काम किया जाता है ओल्ड एंट्स यानी पुरानी चींटियाँ जो होती हैं उनकी मदद से, भले वो मेल है या फीमेल, जिसमें वर्कर्स होते हैं, सोल्जर्स होते हैं, बिल्डर्स होते हैं, क्लीनर्स होते हैं। वर्कर्स यानी जो काम करने वाले लोग हैं, जिनको हम लेबर्स भी कह सकते हैं, सोल्जर्स यानी जो उनको प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं, बिल्डर्स जो उनके घरों को बनाने का काम करते हैं, और क्लीनर्स जो साफ सफाई रखने का काम करते हैं। हर एक हफ्ते के बाद उनकी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है और अब कहीं ना कहीं जो छोटी चींटियां हैं वो रेडी हैं बाहर जाने के लिए। कहां जाने के लिए? एक बड़ी सी दुनिया में जाने के लिए। An ant hill is a home not only for ants but also for some other creatures, beetles, lesser breeds of ants and the green fly. Why do ants want these alien creatures to live in their nest? For several reasons. Some give off smell pleasant to the ants' senses, others give sweet juices, and some are just pets or playthings like cats and dogs to human beings. The green fly is the ant's cow. The ants strain it to give honeydew like milk with a touch of their antennae. They milk it just as we milk the cow. एंट हिल जहाँ पे चींटियाँ रहती हैं वो सिर्फ उन्हीं का घर नहीं होता, बल्कि इनके अलावा छोटे मोटे बहुत सारे ऐसे जीव हैं जिनके लिए भी वो घर होता है। जैसे छोटे मोटे भौरे हो गए, बीटल्स, कुछ ऐसी टाइप की एंट्स जिनको हमने बहुत कम देखा है, दी अदर स्पीसीज ऑफ एंट्स, या फिर हरी भरी जो आपने देखे होंगे फ्लाइज होती हैं, ग्रीन फ्लाई जिसे कहा जाता है, उनके लिए भी ये घर होते हैं। कौन से घर? एंट हिल। पर क्यों ये चींटियाँ जो हैं वो इस तरीके के अजीबो गरीब से, जिसे एलियन क्रीचर कहा जाता है, अपने घोंसलों में रहने की इजाज़त देती हैं? उसके भी कुछ कारण यहाँ पे बताए गए हैं। कुछ उनको अच्छी खुशबू देने के लिए काम आते हैं, जिससे उनके सेंसेस अच्छे से काम करें। कुछ ऐसे भी होते हैं जीव जो उनको मीठे जूसेस देने का काम करते हैं, और इतना ही नहीं, कुछ को तो एज एंटरटेनमेंट, जैसे ह्यूमंस रखते हैं घर पे पेट्स, हम डॉग्स रखते हैं, कैट्स रखते हैं, तो उस तरीके से जो चींटियाँ होती हैं वो भी पेट्स के तौर पर अपने साथ कुछ क्रीचर्स को रखना पसंद करती हैं, जिसमें से जो ग्रीन फ्लाई है वो काऊ का काम करती है। जैसे हमारे लिए काऊ क्या करती है? मिल्क देने का काम करती है। तो सेम तरीके से एंट्स को काऊ यानी मिल्क देने का काम अगर कोई करता है तो वो है ग्रीन फ्लाई। एंट्स जो होती हैं वो ट्रेन करती हैं इनको कि आप हमें क्या दीजिए, हनी ड्यू यानी मिल्क जैसी कोई चीज़ दीजिए, जिसको वो टच की मदद से, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, फीलर्स या एंटेने की मदद से वो इसे लेती हैं, और ये मिल्क के तरह ही दिखता है जैसे हम मिल्क पीते हैं काऊ से। हैव ह्यूमंस लर्न्ड एज मच एज एंट्स हैव? परहैप्स दे हैव, बट दे हैवंट पुट देयर लर्निंग टू गुड यूज। दे मे स्टिल लर्न अ फ्यू थिंग्स फ्रॉम दिस टाइनी टीचर: हार्ड वर्क, सेंस ऑफ ड्यूटी and discipline, cleanliness, care for young ones, and above all, a firm loyalty to the land where they lives. चींटियों से हम इंसानों को भी बहुत सारी चीजें सीखनी चाहिए। क्या क्या चीजें सीखनी चाहिए? हम तो जानते हैं कि हमें जीवन जीने के लिए क्या क्या चाहिए, लेकिन इसके अलावा हमें कैसे अपने लाइफ को जीना चाहिए इस छोटी सी टीचर से। छोटी सी टीचर कौन है? दिस एंट। वो हमें सिखाती हैं कि हमें बहुत मेहनत करना चाहिए, हमें हमारी ड्यूटीज़ को, हमारे कर्तव्य को अच्छे से निभाना चाहिए, शिस्त का यानी डिसिप्लिन का पालन करना चाहिए, साफ सफाई रखनी चाहिए, और ख़ास करके हमारे जो छोटे बच्चे हैं उनका ध्यान रखना चाहिए। और उन सभी में भी सबसे अहम बात आती है, वो है लॉयल्टी। हमेशा अपनी जन्मभूमि के लिए, जहाँ पर हम रहते हैं वहाँ पर हमें लॉयल रहना चाहिए, कभी भी कुछ भी काम गलत करना चाहिए नहीं। ये सारी चीज़ें हमें स्मॉल टाइनी टीचर सिखाती है। होप यू लाइक द एक्सप्लेनेशन। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।